महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर जारी कश्मकश के दौरान ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में बीजेपी का कुछ गेम प्लान है। बीजेपी का दावा है कि अभी अजीत पवार ही एनसीपी विधान दल के नेता है। बीजेपी के जयंत पाटिल की नियुक्ति को उन्होंने अवैध बता दिया है। बीजेपी के साथ गए अजीत पवार के समर्थक विधायक एक एक करके लौट रहे हैं, लेकिन अजीत पवार अभी अपने फैसले पर अड़े हैं। उन्हें मनाने के लिए नेताओं को भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। सवाल है कि अकेले अजीत पवार के सहारे कैसे बीजेपी की नैया पार होगी। अजीत पवार को मनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही है। बता दें आपको कि रविवार को दोपहर के बाद अजीत पवार ने न सिर्फ एक के बाद एक ट्वीट करके बीजेपी के बड़े नेताओं का आभार माना, बल्कि अपना ट्विटर प्रोफाइल भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपडेट कर दिया। इसके पहले अजीत पवार को मनाने की कोशिश करने के लिए गए एनसीपी के नए विधान मंडल दल नेता जयंत पाटिल को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि घर में जाने से पहले शेर पढ़कर गए थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एनसीपी ने अजीत पवार को हटाकर जयंत पाटिल को विधान मंडल दल का नेता चुन लिया। अजीत पवार तो चुप है, लेकिन बीजेपी उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयंत पाटिल की नियुक्ति को अवैध बता दिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो उनका सारा दारोमदार अब अजीत पवार पर ही टिका हुआ है, जो कि वो एनसीपी विधान दल के नेता हैं और पार्टी ने किसी और को चीफ व्हिप नहीं बनाया है, तो अजीत पवार का आदेश ही लागू होगा। बहुमत के दिन अगर बीजेपी के पक्ष में मत देने का व्हिप जारी रखते हैं, तो अगर मान भी लें कि उन्हें छोड़ सारे विधायक बीजेपी के विरोध में मत देते हैं, तो उस व्हिप को आधार बनाकर विधानसभा अध्यक्ष सभी की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो 288 में से 53 विधायक कम हो जाएंगे और बहुमत साबित करने की संख्या 145 की बजाय 118 हो जाएगी। बीजेपी ने अपने 105 और 15 निर्दलियों के साथ 120 के करीब संख्या होने का दावा किया है, लेकिन अभी ये बीजेपी का गणित। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसला ले रही है, और अभी कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा, उससे भी चीजें सामने आएंगी और विधानसभा स्पीकर किसको चुना जाता है उस पर भी काफी कुछ निर्भर है। तब तक कयासों का बाजार चलता रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर वेट जारी कर देते हैं अजीत पवार, तो सत्ता बीजेपी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ही बनेंगे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।